रही हूँ. द फर्स्ट टॉपिक इज पजेसिव एडजेक्टिव्स. इट मीन्स डिफाइनिंग वॉट बिलोंग्स टू होम. इट मीन्स स्टूडेंट. इट मीन्स वॉट स्टूडेंट्स? क्या और किसका, मतलब आगे देखते हैं. हियर वी गो. एज वी माइट इमेजिन पॉजिटिव एडजेक्टिव्स रेफर टू एडजेक्टिव्स दैट शो पोजिशन. इन अदर वर्ड्स समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी. सो हियर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव नाउन्स. माई, योर, हीज, हर, आवर, देयर. इन शॉर्ट पोजिशन एडजेक्टिव हमें अपनी पोजिशन, अपनी ओनरशिप दिखाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड. हेयर आर गिवन द एग्जाम्पल्स. द गर्ल फिंगर आउट और पॉइंटिंग अ बॉय. सो द बॉय, वी कैन इंस्ट्रक्ट दैट बॉय विद द प्रोनाउन हीज. हीज डॉग इज देयर. बट एंड सेकेंड वन इज द गर्ल इज स्टैंडिंग विद अ डॉग. सो फॉर गर्ल वी कैन यूज हर वर्ड HER. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड. हियर आर सम एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव प्रोनाउन एज वेल एज पॉजिटिव एडजेक्टिव. इट मीन्स वेन वी स्टार्ट आवर सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउन, बट वेन वी हैव टू कन्वर्ट इन टू द पॉजिटिव वी कैन यूज द इंस्टेड ऑफ आई कैन यूज हियर माई. Instead of you, I can use here your. Instead of he, we can use here his. Because subject pronoun is the verb and possessive adjective is noun. Okay, so to get the down, the first one is I am a teacher. I is subject pronoun. Second one, these are my shoes. It means my shoes as possessive adjectives. Okay students, now let's moving ahead. Second one is what are demonstrative adjectives. Demonstrative adjective means students, it shows or point to something. In English, the singular demonstrative adjectives are these, while the plural ones are these and those. In short my dear students, demonstrative adjectives आपको बताता है कि these and those कहाँ पर use करना है. जब वो चीज़ आपके पास होती तो आपको these and that लगाना है singular के लिए, लेकिन जब वो चीज़ आपसे दूर हो और पास हो singular के लिए these and plural के लिए those लगाना होता है. चलो examples देखते हैं. डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जब वो सिंगुलर होता है और आपके पास होता है तो आपको THIS दिस लगाना है, लेकिन वही चीज़ जब आपसे थोड़ी सी दूर हो बट सिंगुलर फॉर्म में हो तो आपको वहाँ पे THAT दैट लगाना है. द थर्ड वन इज दीज, THESE जब वो चीज़ एक से ज़्यादा हो और आपके पास हो. लेकिन फोर्थ वन है दोज, जब वो चीज़ एक से ज़्यादा हो और आपसे दूर हो तो आपको THOSE दोज लगाना है. दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. चलो लेट्स मूव अहेड. हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ एन एप्पल्स, जो आपका भी फेवरेट है और मेरा भी. तो डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज एप्पल विच इज़ वेरी नियर बाई यू, आपके पास ही है, इसलिए आपको बोलना है THIS और वो एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं दिस इज एन एप्पल. सेकेंड पिक्चर है THET दैट, ये एप्पल आपसे बहुत दूर है इसलिए आपको यहाँ पे लगाना है THET दैट, दैट इज एन एप्पल. थर्ड पिक्चर है ज़्यादा एप्पल है, एक नहीं है और लेकिन आपके पास है वो, इसलिए आपको बोलना है THESE दीज एप्पल.